नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सरस्वती शिशु मंदिर तिलदा सासाहोली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती एवं भारत माता एवं डॉक्टर राधाकृष्ण जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व व्यवस्थापक दिलीप शर्मा, वर्तमान व्यवस्थापक दिलीप वर्मा उपस्थित रहे। तत्पश्चात विद्यालय की भैया बहनों के द्वारा सभी आचार्य दीदियों को पैन भेंट कर सम्मानित किया गया एवं विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से सचिव दिलीप वर्मा के द्वारा आचार्य दीदियों को गणवेश भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति के पूर्व व्यवस्थापक दिलीप सभी आचार्य दीदियों भैया बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं जानकारी दी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने स्वयं एवं प्राध्यापक रहकर समाज व देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए देशवासियों को संदेश दिया और देशवासियों ने उनका कहना माना। उसी कड़ी में हम सब यहाँ पर शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तत्पश्चात वर्तमान व्यवस्थापक दिलीप वर्मा ने सभी आचार्य दीदियों को शिक्षक दिवस की बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंत में विद्यालय के प्राचार्य श्रवण कुमार साहू ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना और समुद्र में मछलियों की तरह तैरना सीखने के बाद अब हमें अच्छे इंसान की धरती पर चलना सीखना चाहिए और ये कार्य समाज में शिक्षक के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिक्षक चाहे तो समाज को कितनी गर्त में ले जा सकता है और चाहे तो हिमाचल से भी ऊपर उठा सकती है। ये कार्यक्रम विद्यालय समिति एवं भैया बहनों के द्वारा आयोजित था। विद्यालय समिति एवं भैया बहनों के सहयोग से कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।